राम राम जी, आदाब, सत श्री अकाल जी। सो जेंटलमैन, क्या हाल हैं आपके? सो जेंटलमैन, यार ये मेरे पास रेडियो है और ये पिछले 40 साल इसी कपड़े के अंदर ढका रहा और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। ये मेरा पर्सनल कलेक्शन है और मैंने रखा हुआ है अपने लिए, लेकिन यार ये चलता कैसे मुझे मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से ये 50 साल पुराना होगा, 1960 के दशक का है ये। और जेंटलमैन, इसमें इंडिया के सभी सिटीज़ का नाम लिखा हुआ है, सिलीगुड़ी से ले के पटना तक, ग्वालियर से ले के बॉम्बे तक, और बीच बीच में सारे ही राजस्थान, दिल्ली, बीकानेर, भुज, सांगली। बड़ा ही पुराना ये रेडियो है। सो मैं ऑन करता हूँ इसको, सो ये ऑन हो जाता है। सो ये इसमें FM नहीं आता, मिड वेव, शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव, 3, 2, 1 आता है। सो ऐसे ऑन हो जाता है। यहाँ पे इसका जो है ग्रीन लाइट जलता है, इसमें ग्रीन ग्रीन हो जाता है ये यहाँ से, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है जब ये ऑन होने को। ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका बेस का है, और ये इसका ट्रेबल का है। ये इसका जो है, इसका इसको बोलते हैं टोनिंग का, ठीक है जी। सो ये ऑन हो गया है। मैंने इसको पीछे से खोल लिया है और जब मैंने खोला तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी बहुत ही मतलब ब्रांड न्यू है, पूरी ज़िंदगी मैंने इतना ब्रांड न्यू नहीं देखा है। ये इसमें स्टिकर लगा हुआ है जी पीछे, उस टाइम पे ये स्टिकर आते थे। ये ट्रांसफार्मर के बारे में है, ठीक है जी। और मैं पीछे चलता हूँ इसके बैक साइड पे। सो ये इसकी बैक साइड है पीछे की, और ये कुछ नटों के सहारे लगा हुआ था। सो ये कुछ इस तरह से लगा हुआ था, ये देखिए। ये टेप डेक, क्या इसके साथ डेक अटैच हो जाता है? ये PU, PU मतलब क्या है? PU पंजाब यूनिवर्सिटी पता नहीं ये क्या है। ये LS है। सो ये है AE, एंटीना बोल सकते हैं इसको। सो ये मैंने खोला है और अंदर से कुछ इस तरह का दिखा है। सो मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये पुराने जो ट्रांजिस्टर थे, अरे यार ये हमारे बुज़ुर्गों को शादी में मिलते थे और इसका लाइसेंस बनता था, और विविध भारती और ये सारे चैनल चलते थे, इसका बकायदा लाइसेंस। और ये 5 रुपए, जब 4-5 रुपए का आता था उस टाइम पे, 1960 के दशक का है ये। क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है, मेरे एक सीनियर ने बताया था कि इसके सीरियल नंबर में ही इसका जो है छुपा होता है कि ये कब का बना है। सो जेंटलमैन, ये सीरियल नंबर है 80-85-61, लास्ट में 61 है। तो ये 61 का है, 1961 का बना हुआ है ये। और ये ट्यूब रेडियो है, ट्यूबों वाला रेडियो है। इसके स्पीकर इस तरह के आते हैं, ये देखिए अंदर से इसके स्पीकर किस तरह के हैं। और जेंटलमैन, बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये, देखिए वुड इसका, जैसे अभी पॉलिश किया हो। 1960 का है तो 40 और 20, 60 साल, 62 साल पुराना है ये। मेड इन इंडिया का बना हुआ है, फिलिप्स का। और इसमें ये ट्यूबें लगी हुई हैं। सो
तो ये बड़ा गैंग लगा हुआ है इसका, वो देखिए ये वाला, ये 60 सालों से ना कपड़े में ही बंद पड़ा रहा। सो ये इसके स्पीकर हैं, सो स्पीकरों पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। और जेंटलमैन, ये देखिए इसका ये अंदर से कैसा दिखता है। इसमें मेड इन इंडिया की 1 2 3 4 5 6 6 बल्ब लगे हैं। ये इसका ट्रांसफार्मर में है, ट्रांसफार्मर ये देखिए किस तरह का हो गया है ये। और ये देखिए कुछ इस तरह का अंदर से है। तो ये करंट करंट तो नहीं मारता, नहीं मारता। सो ये इसका फ्यूज़ है, फ्यूज़ उड़ा है कि नहीं ये देख लीजिए। ऐसे ही मुझे ऐसी चीज़ें रखने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। एंटीक है, 60 साल पुराना है। और ये इसके स्पीकरों की जो जाली, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। इतना अच्छा पीस मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। और ये देखिए इसमें ये भी बना हुआ है, कैसे है क्या है, इसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा, लेकिन समय के साथ थोड़ा सा ये भी बेचारा अधूरा सा रह गया है। ये ग्राफ मैप बनाया हुआ है। और कुछ डिफरेंट आपको लग रहा है इसमें तो देख लीजिए, वो धागा इसके अंदर है जो घुमाने पे ये चलता है। सो ये है जी हमारा पुराना रेडियो, दहेज में मिलते थे। सो उस टाइम दहेज में साइकिल या फिर ऐसे रेडियो मिलते थे, और साइकिल के पीछे इसको ये पेटी बोलते थे, हमारे जो पुराने देसी लोग हैं, कि पेटी मिली है, रेडियो पेटी मिली है। सो बड़ा ही खूबसूरत ये रेडियो है, मेरे कलेक्शन का पीस है। मुझे बस ऐसी पुरानी अपने सीनियर के समय की जो है अच्छी लगती हैं, संभाल के रखनी ये चीज़ें। बच्चे देखते हैं, ये ऑफ हो जाता है। सो बच्चे देखते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। सो ये देखिए नाम पढ़ूं मैं तो, सिलीगुड़ी, भोपाल, जयपुर, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, मद्रास, ग्वालियर, दरबार, बीकानेर, भुज, सांगली, वाराणसी, जबलपुर, कैलकटा, श्रीनगर, दिल्ली, पासीघाट, बॉम्बे, रामपुर, रायपुर, गोवा, कटप्पा तो नहीं लिखा, राजकोट, तिरुचि, आला, हबड़, कटक, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, दिल्ली, विजयवाड़ा, बड़ौदा, संबलपुर, इंदौर, कैलकटा, मद्रास, गुवाहाटी, बॉम्बे, रांची, नागपुर, अजमेर, बेंगलोर, पटना। सो मेरे सीनियर्स 60 साल पहले यंग थे, तगड़े थे यार। और उनकी शादियां हुई तो क्या बोलते हैं, दहेज में उनको जो ज़्यादा ज़मींदार थे उनके हिस्से में ज़मीनें आती थी, जो सरकारी नौकरी वाले होते थे उनको ये रेडियो और साइकिल मिलते थे, और जो गुज्जर बरादरी के हमारे सीनियर हैं उनको भैंसे दी जाती थी, कि इतनी भैंसे जो हैं। सो इस तरह का वो दौर था, इस तरह जो है हमारे सीनियर्स को की ज़िंदगी थी। सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मज़ा आया आपको बता के। थैंक यू जी।